आज हमारे पास हैं दो मोबाइल फ़ोन। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपने इस स्मार्टफोन के डेटा को इस स्मार्टफोन पर एक्सेस कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको चाइल्ड मॉनिटरिंग के लिए, या फिर आप अपनी कंपनी के कोई एम्प्लॉय को मॉनिटर करना चाहते हैं। रियल टाइम में आप उसकी लाइव लोकेशन को देख सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के मैसेजेस को चेक कर सकते हैं, ब्राउजिंग हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं और उसे ओपन भी कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐप पर कंट्रोल लगाना चाहते हैं, किसी ऐप को वह सिर्फ 20 मिनट यूज़ करें, तो आप यह सब इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का जो नाम है वह है फेमीसेफ। यहाँ पर आप देखेंगे हम हैं अभी ऑफिशियल फेमीसेफ.wondersia.com पर। एक्चुअल में यह एक एप्लीकेशन है जिसको आपको मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करना होता है। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास एक स्मार्टफोन है जहाँ पर हमने इस ऐप को सर्च किया है, जो कि है पेरेंटल कंट्रोल ऐप फेमीसेफ। फैमी का यहाँ पर सेंस हो सकता है फैमिली से हो, फैमिली सेफ। तो यहाँ पर यह एक ऐप है जिसको आपको डाउनलोड करना है। इसके अलावा आपको अपने चाइल्ड के मोबाइल में भी एक ऐप डाउनलोड करनी होगी, या जिस मोबाइल को आप ट्रैक करना चाहती हैं तो वहाँ पर आपको जिस एप्लीकेशन को यूज़ करना है वह है फेमीसेफ जूनियर। तो यहाँ पर आपको एक पेरेंट के लिए ऐप डाउनलोड करनी होती है और एक जूनियर ऐप डाउनलोड करनी होती है। यहाँ पर हमने दोनों ही ऐप को डाउनलोड किया हुआ है। आपको इन ऐप्स को ओपन करना है। बेसिक प्रोसेस होती है जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है, जहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस, पासवर्ड डालकर साइन इन करना है। अब यहाँ पर हमको डिवाइसेस को ऐड करना होता है। हो सकता है कि हमको मल्टीपल जूनियर डिवाइस को ऐड करना है, तो कनेक्ट की जो प्रोसेस है वह बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको सीधा कनेक्ट अ न्यू डिवाइस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है पेयर विथ कोड। यहाँ पर आपको इस कोड को डालना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से यह डिवाइस पेयर हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको निकनेम देना होता है, क्योंकि मल्टीपल डिवाइस को भी हो सकता है कि आप कनेक्ट करें। तो यहाँ पर हम निकनेम को टाइप करके नेक्स्ट करते हैं और यह फाइनल स्टेप है। फेमीसेफ की पेरेंट डिवाइस पर एक पिन आता है। अब कोई भी चाइल्ड इस एप्लीकेशन को डिलीट भी कर सकता है। तो यहाँ पर एक और सिक्योरिटी है कि आपको यहाँ पर एक पिन डालना होगा, जिसकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ पेरेंट को होगी। तो यह पिन सक्सेसफुली कॉन्फिगर हो चुका है। अब इस ऐप को वह डिलीट नहीं कर सकता। ऐप के कॉन्फिगर होने के साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले तो आपको देखने में जाती है लोकेशन। तो हमारा जो भी जूनियर ऐप है, इसकी जो एक्यूरेट लोकेशन होगी वह पेरेंट मोबाइल पर आसानी से देख सकते हैं। अगर यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर की तरफ चलें, तो सबसे पहला यहाँ पर फीचर आता है ऐप लिमिट का। आप किसी भी ऐप को कंट्रोल कर सकते हैं अपने मोबाइल से। जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ, क्रोम को हम लॉक करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्रोम को सिलेक्ट किया और इस पर एक लिमिट लगाई है। अब यह हमारी जूनियर डिवाइस है, हम इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ आ रहा है सॉरी द ऐप इज ब्लॉक्ड बाय योर पेरेंट। तो इस तरह से जूनियर डिवाइस में एक नोटिफिकेशन आता है। अगर जूनियर डिवाइस चाहे या आपके चिल्ड्रन चाहें, तो वह रिक्वेस्ट कर सकते हैं कुछ समय के लिए। तो यह फीचर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आप सारी ही एक्टिविटी को यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। दूसरे फीचर्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हमको जो दूसरा फीचर्स देखने मिलता है वह मिलता है ब्राउजिंग हिस्ट्री का, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आपका चाइल्ड मोबाइल में क्या सर्च करता है वह आप अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि हम चाइल्ड डिवाइस पर मैंने फेसबुक को सर्च किया है। अब मैं पेरेंट डिवाइस से चेक करता हूँ ब्राउजिंग हिस्ट्री को। तो यहाँ पर आप देखेंगे फेसबुक का यहाँ पर आपको URL क्लियर दिखाई देता है m.facebook.com। मैं एक काम करता हूँ, जूनियर डिवाइस में कुछ सर्च करता हूँ, साइबर बाबा को यहाँ पर हम सर्च करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमने साइबर बाबा सर्च किया है। पेरेंट डिवाइस पर हम चलते हैं, एक बार इसे स्वाइप अप करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे गूगल सर्च की एक हिस्ट्री आ चुकी है। और अगर आप चेक करना चाहते हैं कि क्या सर्च किया गया है, तो आप इस पर क्लिक भी कर सकते हैं। तो जूनियर डिवाइस में जो भी सर्च किया गया है वह पेरेंट डिवाइस में शो हो जाता है। तो इससे आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट मॉनिटर कर सकते हैं अपने चिल्ड्रंस को कि वह क्या सर्च करते हैं इस पर्टिकुलर डिवाइस पर। एक फीचर और मुझे अच्छा लगा यहाँ पर, जो कि है सस्पिशियस इमेजेस का। अगर कोई भी ऐसी इमेज उस मोबाइल में ओपन होती है, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है और फिर उस इमेज को आप अपने मोबाइल में भी चेक करके देख सकती हैं। कुछ और ऐप्स यहाँ पर आपको देखने में जाते हैं, जैसे कि वेब फिल्टर, सेफ सर्चेस, स्क्रीन टाइम, यूट्यूब ऐप कंट्रोल। एक बार हम यूट्यूब ऐप कंट्रोल को भी चेक कर लेते हैं। तो यूट्यूब की सर्चेस को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपके चाइल्ड ने YouTube पर क्या सर्च किया वह आप पेरेंट डिवाइस पर चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि हम किसी वीडियो को प्ले करते हैं। यहाँ पर हम सर्च इसी वीडियो को प्ले कर लेते हैं। हमने इस वीडियो को प्ले किया है जूनियर डिवाइस पर। अब हम पेरेंट डिवाइस पर चलते हैं और यहाँ पर जैसे ही हमने स्वाइप अप किया, तो यहाँ पर उस वीडियो का URL आ चुका है।
एक बार कुछ और हम जूनियर डिवाइस में सर्च करते हैं, तो यहाँ पर हमने एसिड सर्च किया है जो कि एक सेंसिटिव मुद्दा है और इस वीडियो को मैंने प्ले किया है। अब हम चलते हैं पेरेंट डिवाइस पर। पेरेंट डिवाइस को जैसे ही हमने स्वाइप अप किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास यह डिटेल आ चुकी है। अगर आप चाहें तो इस पर क्लिक करके आप चेक भी कर सकते हैं कि आपके चिल्ड्रन ने या पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने किस वीडियो को चेक किया है। बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आया और पेरेंटिंग के लिए यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऐप है। आज की डेट में आपके बच्चे क्या यूज़ कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन में, किस तरह की वीडियोस को देखते हैं, किस तरह के उनके पास मैसेज आते हैं, सारी ही इन्फॉर्मेशन आप यहां से देख सकते हैं। और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे मैनेज ऐप डिटेक्शन का भी आपको एक ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से आप सारे अकाउंट को लिंक कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेंजर, मैसेंजर लाइट, SMS, वन क्लिक करके आप कनेक्ट कर सकते हैं और फिर इन ऐप्स की इन्फॉर्मेशन को भी आप अपने मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप जूनियर डिवाइस की फुल एक्टिविटी रिपोर्ट को भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या YouTube पर सर्च किया गया, Play Store पर क्या सर्च किया गया, Google पर क्या सर्च किया गया, सारी ही इन्फॉर्मेशन आपको अपनी डिवाइस में देखने मिल जाती है। एक एक सर्च, एक एक हिस्ट्री आप पेरेंट डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे मुझे फीचर्स लगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो आप इनका फ्री ट्रायल ले सकते हैं। अगर आपको आगे यह ऐप पसंद आती है तो आप चाहें तो आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए #cyberbaba।